नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है वो राहुल गांधी के लिए भी अग्नि परीक्षा है और पंजाब कांग्रेस के लिए भी। जो पंजाब कांग्रेस अभी तक दो भागों में बंटी हुई थी, यानी कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू, अब वो तीन भागों में बंट गई है, तीन धड़े बन गए हैं। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर खेमे ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। इसके पहले 20 सितंबर को जब नई सरकार बनी थी, चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ लिया था, तब भी आपने फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 117 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 77 सीटें हैं, फ्लोर टेस्ट हुआ तो तीन धड़ों में जो कांग्रेस बढ़ चुकी है, नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का क्या होगा? क्या दो संभावना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू को निपटाने के लिए हाथ मिला लेंगे क्या? और यदि तीनों धड़े अलग अलग रहे तो चरणजीत सिंह चन्नी को हराने के लिए दो इधर वाले ग्रुप हाथ तो नहीं मिला सकते, लेकिन हराने की कोशिश कर सकते हैं क्या? कांग्रेस हाईकमान जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर के अभी मौन साधे हुए, गंभीर रुख अख्तियार किए हुए है और चरणजीत सिंह चन्नी को कह रहा है कि मसले को सुलझाइए। हकीकत यह है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैरियट होटल में उस दिन बैठे हुए जो पर्यवेक्षक गए थे, हरीश रावत वगैरह, सिद्धू का इंतजार कर रहे थे। सिद्धू को ये बात शुरू दिन से ही नहीं पच रही है कि लड़ाई कैप्टन के खिलाफ उन्होंने लड़ी और कोई बीच में आकर के सीएम की कुर्सी झटक ले गया। कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर के दलित कार्ड जो खेला है, ये पंजाब चुनाव में बहुत ही तुरुप का पत्ता साबित होगा, लेकिन सिद्धू को ये मंजूर नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू खेमे के ही थे, जैसे ही कुर्सी मिली, स्वाभाविक सी बात है, जब हरीश रावत ने ये बयान दिया कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बस उनकी नाराजगी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री मैं और सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर बैलेंस साधने बनाने के लिए ये कहा गया कि दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सिद्धू का माइनस पॉइंट ये हुआ कि ये तो कांग्रेस हाईकमान ने दलित कार्ड चल दिया, अब हम क्या करें, अब तो इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। फिर जैसे तैसे वो चल रहे थे, इसी बीच जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें जो है कुलजीत सिंह नागरा समेत कई लोग जिनको चाहते थे ये मंत्री बनवाना, वो शामिल नहीं किए गए। और उधर जो है जब एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई, डीजीपी की हुई, इनसे कुछ पूछा ही नहीं गया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने ही जो 15 मंत्री बनाए गए उनके नाम तय किए और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सिद्धू के ज़्यादा मंत्री ना हो जाए, क्योंकि सिद्धू के अड़ियल, जिद्दी और तुनक मिजाजी स्वभाव से कांग्रेस हाईकमान भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर के कार्यकाल में कांग्रेस हाईकमान की पंजाब में 9 के बराबर चलती थी, क्योंकि वो हैवी वेट थे, अपने हिसाब से चलाते थे। राहुल गांधी को इस बात का बहुत मलाल रहा, तो उन्होंने इन्हीं को, चन्नी को साध करके जो भी डिसीजन कराने थे कराए और अपने लोगों को एडजस्ट कराए। और इधर चन्नी को भी जैसे ही कुर्सी मिली, उन्हें लगा कि इसे सिद्धू क्यों नेता रहेंगे, मैं क्यों दलित नेता नहीं बन करके उभर सकता, बस यहीं से लड़ाई शुरू हो गई। एक दो घटनाओं का, नियुक्तियों का इन्होंने इंतजार किया, उसके बाद देखा कि चन्नी तो इनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे। सपना ये था कि अपना मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कठपुतली होगा, मैं चलाऊंगा, वो संभव ना हो सका। जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो अपनी चलाएगा ही चलाएगा। और इसी में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना जो है कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र चला दिया इस्तीफे का। अब इसके आगे उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। तब सबसे सवाल उठ रहा है कि क्या करेंगे सिद्धू? क्या पार्टी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे में एक लाइन लिखी कि कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। तो अभी पार्टी छोड़ने की तो नौबत नहीं है, लेकिन सिद्धू ऐसे मानने वाले भी नहीं हैं, उनको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। अब तत्काल तो मुख्यमंत्री बदला नहीं जा सकता, फिर तो मुख्यमंत्री इनके साथ डिस्कस करके फैसले लें। अब यहाँ पे जब तक 5 महीने सरकार है तब तक जो है टकराव चलता रहेगा। चरणजीत सिंह चन्नी को ये कहा जा सकता है कि सिद्धू से सलाह मशविरा करते रहिए और नियुक्तियों उक्तियों में उनकी भी सलाह लेते रहिए, लेकिन क्या बात इतने से बन जाएगी? लगता तो नहीं है सिद्धू के स्वभाव की वजह से। कैप्टन अमरिंदर को वार करने का मौका मिल गया है और कहीं केंद्र सरकार ने इसमें खेल कर दिया, जो फ्लोर टेस्ट की मांग उठ रही है और उसके बाद जो राज्यपाल हैं, जो स्पीकर हैं, वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए मजबूर हो गए, तो क्या चन्नी सरकार जा भी सकती है और राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है?
क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2 महीना 2.5 महीना पहले जो सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बन करके फूले नहीं समा रहे थे उनके समर्थक, वो सिद्धू जो है इतने दिन बाद ही रिजाइन कर जाएंगे। जिस कैप्टन को हटाने में लगे थे ये उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन को हाईकमान हटा देगा, लेकिन वो कैप्टन भी हट गए, लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिली। तो हो तो कुछ भी सकता है इस सारी संभावनाओं पर, किंतु परंतु और वहाँ चल रही गतिविधियों पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।